आजादी के बाद से ही इस देश में दो पार्टियों के बीच मुख्यतः राजनीति हो लेती रही है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे से लगातार लड़ते रहे हैं और बिहार समेत इस देश की राजनीति पर काबिज होने के लिए एक दूसरे के खिलाफ चुनावी रणनीति बनाते रहे हैं। इस देश में अलग अलग राजनीतिक गठबंधन हुए हैं, यहाँ तक कि जब कश्मीर में पीडीपी और भाजपा के बीच गठबंधन हुआ वो देखकर सभी लोगों को काफ़ी अचंभा हुआ था। ऐसा ही कुछ हरियाणा में हुआ और फिर महाराष्ट्र में जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस के अलग हट के जो एक गठबंधन बना शिवसेना के साथ वो सभी लोगों को चौंका गया। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इस देश में कांग्रेस और भाजपा किसी मुद्दे पर एक हो पाई हो। लेकिन बिहार की मौजूदा सरकार जो एनडीए की है जिसमें ज़्यादा सीटें होने की वजह से भाजपा लीड कर रही है, लेकिन मौजूदा सरकार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, ये भाजपा ने ही तय किया है। अब इसे आप जिस तरीके से देखना चाहें आप देख सकते हैं, लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय भी अपने पास रख रखा है। बिहार में लगातार जो क्राइम डेटा है वो बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार भले ही प्रयास कर रहे हैं, भाजपा भी अपने सिरे से प्रयास कर रही है कि बिहार में जो क्राइम डेटा है वो कम हो जाए। इसके लिए कई तबादले किए गए हैं, कई आईएएस लोगों को इधर से उधर ट्रांसफर किया गया है। लेकिन इतनी मुस्तैदी के बावजूद कल दरभंगा में एक स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ 10 करोड़ के आसपास की चोरी हो जाती है और सीसीटीवी उसका फुटेज वायरल हो जाता है, जिसके बाद मौजूदा सरकार के ही एक नेता संजय सोरागी जो कि भाजपा के विधायक थे हैं माफ कीजिएगा उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की विफलता बता दी और ये भी कहा कि ऐसी घटनाएं दिन दहाड़े हो जाती हैं तो ये सरकार के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं। पिछली कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं बिहार में राजद और जेडीयू के बीच वाकयुद्ध चल रहा है इन सारे मुद्दे पर, जहां नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने एक खुले मंच से चुनाव के दौरान ये बातें कहीं और कहा कि तेजस्वी यादव जंगल राज के युवराज हैं। वहीं राबड़ी देवी अब लगातार इन क्राइम डेटा पर नीतीश कुमार को घेर रही हैं और महाजंगल राज के महाराज के उपाधि दे रही हैं। लेकिन जहां एक तरफ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का हमला नीतीश कुमार पर करना जायज लगता है, वहीं भाजपा का नीतीश कुमार के ऊपर हमला करना, चाहे संजय जायसवाल द्वारा एक फेसबुक पोस्ट किया जाना कुछ दिनों पहले जिसमें उन्होंने कहा था कि चोरियां बढ़ती जा रही हैं जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे एहसास हो रहा है कि भाजपा मौजूदा परिस्थिति में नीतीश कुमार के जो क्रियाकलाप है उनको काफ़ी निकम्मा या कमतर आंकना चाहती हैं। ये चाहती हैं कि गृह मंत्रालय जब उनके पास है तो जो विभागीय गलतियां हो रही हैं उन पर काफ़ी क्रिटिकल रहा जाए। ये कहीं ना कहीं खुद रहकर उस समुद्र में और समुद्र में ही के लोगों के खिलाफ ही बोलना, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी बात है जो कि उचित नहीं लग रही है। गठबंधन धर्म का भी कहीं ना कहीं पालन नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के पास इसके लिए कितना इस्तकबाल होता है ये भी आप अच्छे से जानते हैं। जहाँ एक तरफ राजद फिर भाजपा, वहीं अब कांग्रेस भी इस लड़ाई में कूद चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हो या फिर प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा, इन सभी ने नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया है सोशल मीडिया पर और उन्होंने जो क्राइम डेटा है उसका हवाला देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जो कि गृह विभाग अपने पास रखे हुए हैं उसे पूर्णकालिक किसी और व्यक्ति को दे दे ताकि इस डिपार्टमेंट में जो कमियां हैं उसे दूर की जा सके। नीतीश कुमार के पास ना तो अब कोई नैतिकता बची है ना उन्हें अब इंटरेस्ट है सरकार को चलाने में, ऐसा कांग्रेस कह रही है। और कहीं ना कहीं जब ये बात कांग्रेस कह रही है तो लग रहा है साफ कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर नीतीश कुमार के खिलाफ एक आंदोलन सा छिड़ी हुई है जिसमें वो गृह विभाग जिसे वो अपने पास रखना चाहते हैं, शुरू से ही नीतीश कुमार ने गृह विभाग को अपने पास रखा है, वो एक तरीका होता है सरकार के आँख और कान को अपने पास रखने जैसा, सीसीटीवी फुटेज जैसा होता है। लेकिन इन बदली हुई परिस्थितियों में नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से उनको 28 सीटों का नुकसान हुआ है, एक स्पष्ट सामने बात है कि नीतीश कुमार को मैंडेट नहीं मिला है, ये मैंडेट भाजपा के लिए है, लेकिन भाजपा भी अकेले सरकार नहीं बना सकती है। तो ये जो गठबंधन भाजपा और जदयू के बीच है ये कितने दिन चल पा रहा है, क्योंकि नोक झोंक जो लगातार, चाहे चिराग पासवान का मुद्दा हो, चाहे अब किसान बिल को लेकर बातें हों या अन्य मुद्दों पर बातें हों, एक जगह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनने की वजह से दोनों पार्टियों के बीच खटपट शुरू हो गई है और ऐसे में कांग्रेस मजा ले रही है। कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर भाजपा का ही राग अलापते हुए नीतीश कुमार के ऊपर हमला कर दिया है जिससे
ये स्पष्ट लग रहा है कि कांग्रेस और भाजपा पहली बार किसी एक मुद्दे पर एक हो गई हैं और दोनों नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त सोशल मीडिया पर कम से कम एक आंदोलन छेड़ी हुई है। अगली खबर में आपसे तुरंत मुलाकात करेंगे। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी है। ये खबरें अगर आपको प्राप्त करनी है अपने मोबाइल पर तो फेसबुक पेज हमारा लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको यूट्यूब पे खबरें पढ़ना पसंद आता है तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, वहां पर हमारी खबरें लगातार आपको मिल रही हैं। एक यूपीआई नंबर है जिस पर आप सहयोग करिएगा तो एक निष्पक्ष पत्रकारिता को और आयाम मिलेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।